हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी गुड। दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में एंड लिम्फ वेसल्स के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं हम लोग, लिम्फैटिक सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय इरासिस्ट्रेटस। जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है, इसको सबसे पहले जो है इरासिस्ट्रेटस के द्वारा अलेक्जेंड्रिया में 2000 साल पहले जो है वो डिस्क्राइब किया गया था। सेकेंड पॉइंट बोलता है, विलियम हंटर इन द लेट 18th सेंचुरी वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम। जो विलियम हंटर हैं, इन विलियम हंटर के द्वारा 18th सेंचुरी में लिम्फैटिक सिस्टम के फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया था। लिम्फैटिक सिस्टम को किसने डिस्क्राइब किया? इरासिस्ट्रेटस ने 2000 साल पहले। और इनके फंक्शन को किसने डिस्क्राइब किया? विलियम हंटर ने 18th सेंचुरी में। अब हम इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, लिम्फैटिक सिस्टम की को डिटेल में देख लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स, द लिम्फैटिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कैसे हुआ। लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कैसे हुआ? तो लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जो है ब्लड कंटिन्यू ऑल ऑफ द बॉडी जो है फ्लो होता रहता है, वैसे ही जो होता है वो लिम्फैटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, एक वाटर फ्लूइड होता है, ये हमारी पूरी बॉडी में जो है वो फ्लो होता रहता है। बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें जो है लिम्फैटिक वेसल्स नहीं पाई जाती हैं और लिम्फ जो होता है वो फ्लो नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कहा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फैटिक वेसल्स नहीं होती हैं, कॉर्निया में और जैसे कि थाई है इनमें भी प्रेजेंट नहीं होती हैं लिम्फैटिक वेसल्स, और जो हमारे बॉन्स होते हैं इनमें भी लिम्फैटिक वेसल्स नहीं होती हैं, एंड सुपरफिशियल स्किन में भी लिम्फैटिक वेसल्स नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें जो है लिम्फ जो है फ्लो नहीं होता है, बट ये लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑल ऑफ द बॉडी में लिम्फ जो है फ्लूइड होता रहता है, और एंड इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। इम्यून सिस्टम का पार्ट कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स में जो लिम्फोसाइट होता है, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, तो उनको जैसे ही बैक्टीरिया वायरस लिम्फोसाइट को मिलता है, बैक्टीरिया वायरस को लिम्फोसाइट जो है किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, द लिम्फैटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू। लिम्फैटिक सिस्टम जो होता है वो टिश्यू वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, एंड ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर मूव अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। और इसमें जो होता है एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है। लिम्फैटिक सिस्टम में क्या होता है? कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। सम 20 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा फ्लो थ्रू योर बॉडीज आर्टरीज। और कुछ 20 लीटर प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में आर्टरी एंड आर्टरियल ब्लड वेसल्स के द्वारा एवरी डे, मतलब प्रतिदिन जो है वो फ्लो होता रहता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन, लिम्फैटिक सिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं। अ नेटवर्क ऑफ सेल्स दैट कलेक्ट फ्लूइड बॉडी टिश्यू एंड फिल्टर इट फॉर जर्म्स। क्या फ्रेंड्स, कि लिम्फैटिक सिस्टम जो होता है वो फ्लूइड का कलेक्शन होता है, मतलब इसमें फ्लूइड का कलेक्शन होता है एंड टिश्यूज़ का कलेक्शन होता है, और ये जो होता है लिम्फैटिक सिस्टम में फिल्टर होता है फ्लूइड का, मतलब कि जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, तो लिम्फैटिक सिस्टम में वो भी फिल्टर हो जाता है, फ्लूइड जो है वो फिल्टर हो जाता है। बिफोर रिटर्निंग द फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने से पहले जितने भी फ्लूइड में जर्म्स है, बैक्टीरिया वायरस है, वो जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है वो फिल्टर कर देता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिम्फैटिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द ब्लड वेसल्स। जो लिम्फ होता है
वो जो होता है जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे लिम्फ का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही लिम्फ वेसल का स्ट्रक्चर भी होता है, बिल्कुल सेम। सेकेंड बोल रहा है लिम्फ वेसल आर थिन वॉल्व। लिम्फ वेसल जो होती है वो थिन वॉल्व होती है, यानी कि पतली वॉल्व होती है। पतली वॉल्व होती है स्ट्रक्चर दैट कैरी लिम्फ, जो कि लिम्फ को कैरी करती है। लिम्फ वेसल्स आर थिन वॉल्व, लिम्फ वेसल्स आर थिन वॉल्व। लिम्फ वेसल क्या है, एक पतली वॉल्व है, एक ट्यूब की तरह एक पतली वॉल्व है। स्ट्रक्चर दैट कैरी लिम्फ, जो कि लिम्फ को कैरी करती है, जिसमें लिम्फ पाया जाता है। थर्ड इज लिम्फ वेसल आर स्ट्रक्चरली वेरी स्मॉलर टू ब्लड वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर में यानी कि संरचना में बिल्कुल ब्लड वेसल की तरह होती हैं। लिम्फ वेसल आर लाइनड बाय इंडोथीसियल लिम्फ मूवमेंट अकर डिपॉजिट लो प्रेशर ड्यू टू स्मूथ मसल एक्शन एंड कंप्रेशन। लिम्फ वेसल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इंडोथीलियल एक इंडोथीलियल फ्लूइड होता है, इसमें लाइनेड होती है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। अगर स्मूथ मसल एक्शन, मतलब ये स्मूथ मसल एक्शन की वजह से कंटिन्यू फ्लो होता रहता है लिम्फैटिक सिस्टम में। अब के फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ फ्लूइड। अगर ये क्या होता है, लिम्फ जो होता है वो हमारे लिम्फैटिक सिस्टम में जो है वो मतलब फॉरवर्ड ही फ्लो करता है, बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है। बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है उससे प्रिवेंट कौन करता है, ये वॉल्व्स जो होती हैं वो बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करती हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स लिम्फ वेसल के फंक्शन, कार्य के बारे में जानेंगे। लिम्फ वेसल्स के जो फंक्शंस हैं इनके बारे में जानेंगे। रिटर्न द इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड प्रोटीन फॉर्म अराउंड द सेल्स। फ्रेंड्स क्या होता है कि इंटरस्टीशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है और प्रोटीन, ये दोनों मिलाकर के जो है लिम्फ बनता है। जो हमारे लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ जो होता है वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, वो कैसे बनता है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड प्रोटीन मिलकर के लिम्फ बनाते हैं। कौन कौन, इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड प्रोटीन मिलकर लिम्फ बनाते हैं। बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो लिम्फैटिक सिस्टम है उसमें जो है फ्लो होता है। तो कैसे बनता है लिम्फ, लिम्फ जो है वो इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। डिलीवर द लिम्फ टू द लिम्फ नोड विच रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रोब्स एंड कैंसर सेल्स फ्रॉम इट। ये क्या करता है फ्रेंड्स, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उनका जो वर्क होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वर्क क्या करता है, ये लिम्फ को एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड तक डिलीवर करता है। ये एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड तक क्यों डिलीवर करता है, क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या जो भी माइक्रोब्स होते हैं या जो भी कैंसर सेल्स होती हैं, इनको जो लिम्फ नोड जो है वो फिल्टर कर देता है। तो जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो लिम्फ को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र करती हैं यानी डिलीवर करती हैं। वो किस लिए करती हैं, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रोब्स कैंसर सेल को फिल्टर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, और लिम्फोसाइट जो है वो एक नोड से दूसरे अनदर नोड में ट्रांसपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट द काइल टू द वेनस ब्लड, और जो काइल होता है इसको वेनस ब्लड में ट्रांसफर करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ हम लोगों ने देखा ब्लड लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।